गाइस वेलकम टू माय चैनल आरसेंटस किचन। आप सब कैसे, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं मैंगो मालपुआ। तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। देखिए, एक कटोरी आटा ले लिए हैं और आप चाहे तो मैदा भी बना सकते हैं। और इसी कटोरी का माप से हम सूजी लिए हैं। सूजी को महीन मिक्सी ग्राइंडर में पीस लिए हैं। ये मोटा सूजी था हमारा, इसे ग्राइंडर में पीस के महीन किए हैं। और ये ले लेंगे 3/4 कप। इसी कटोरी से माप के लिए हैं हम सूजी, आटा और चीनी। और ये है 1/2 कटोरी चीनी। ये है थोड़ा सा नमक, 2 पिंच नमक है। और ये है बेकिंग सोडा, सॉरी बेकिंग पाउडर है। ये ले लेंगे 1/4 टीस्पून। और एक मैंगो ले लेंगे और 1 कप दूध ले लेंगे। देखिए, मैंगो को अच्छी तरह से हम धो लिए हैं और धो के इसे छील लेंगे। देखिए, आपको हम कट कर लेते हैं। और इसी जार में हम सूजी को पीसे थे, इसी में हम आम को डाल के पेस्ट कर लेंगे। देखिए, मैंगो को पेस्ट बना लिए है। चलते हैं हम हलवा बनाने। एक कटोरी में आम को हम निकाल लेते हैं। देखिए, आम को डाल लिए है। अभी का हम आटा को भी डाल देते हैं। इसी में हम सूजी को डाल देते हैं। यहीं पर अब हम नमक को भी डाल देते हैं। कोई भी मीठा बनाते समय दोस्तों, अगर हम इसमें थोड़ा सा नमक दे देंगे तो उसका मीठा का स्वाद दोगुना हो जाता है। देखिए, मिक्स कर लिए हैं। यहीं पर हम दूध को डाल देंगे। दूध को डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। एक बार में नहीं देना है। मिक्स कर लेते हैं आप। और तब तक आपको याद दिला दें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। और अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। और हमें कमेंट में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इस तरह नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ा रहे। सभी दूध को डाल देंगे। यहीं पर अब हम चीनी को भी डाल देते हैं। देखिए, बहुत ही ठीक बना है। 1 कप दूध मिला लिए हम और थोड़ा सा दूध डाल देते हैं और फिर से मिला लेंगे। देखिए, अच्छे तरह से घोल लिए हैं। अब 20 मिनट हम ढक के रख देंगे ताकि सूजी हमारा फूल जाए। देखिए, 20 मिनट हो गया है। चलिए अब चेक कर लेते हैं। देखिए, पहले से बहुत ठीक हो गया है। इसमें थोड़ा सा और दूध डाल देंगे। यहीं पर हम बेकिंग पाउडर दे देते हैं और उसे मिक्स कर लेते हैं। देखिए, अच्छी तरह से घोल लिए हैं और इस तरह से हम ठीक बनाएंगे। ज़्यादा पतला भी नहीं करना, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना। ओवन के ऊपर कढ़ाई रखकर उसमें रिफाइंड ऑयल ले लिए हैं। अब 1 चम्मच बेटर को उठा के डाल देते हैं। तेल को गरम कर लिए दोस्तों, गरम करके थोड़ा हल्का ठंडा कर लिए हैं और अभी नहीं चलाना है। इसीलिए तो फ्लेम में बनाइएगा, नहीं तो ऊपर लाल हो जाएगा और अंदर कच्चा रहेगा। इस तरह ऊपर में ऑयल डाल देते हैं। देखिए, पलट लेंगे हम। एक तरफ हो गया है, दूसरी तरफ भी सेक लेते हैं धीमी आंच करके। देखिए, फिर से हम पलट लेते हैं और दोनों तरफ से किया है। अब इसे निकाल देंगे, दिखाते हैं बना के। और अभी तो आम का सीजन है दोस्तों,
आप जरूर से एक बार इस तरह बना के खिलाइए घर में, घर वालों को काफी पसंद पड़ेगा। और ये झटपट बन भी जाता है और घर के सामान से ही बन जाता है। ये बहुत जल्दी बन जाता है दोस्तों, लेकिन खाने में वो काफी अच्छा लगता है। आप जरूर से एक बार मेरा मतलब बात मान के जरूर से एक बार घर तो बनाइए और खाइए, आपको काफी पसंद पड़ेगा। हाँ, पलट लेंगे और लो टू फ्लेम में इसे धीरे धीरे सीखने देंगे। देखिए मैंगो मालपुआ बनकर तैयार हो चुका है और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे कभी बनाकर खा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें, कमेंट पर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इस तरह नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें।